है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो लोग भी मुझे अपना पेंसिल वर्क सेंड करते हैं या फिर मुझे टैग करते हैं इंस्टाग्राम पर, उन लोगों के काम में मुझे एक कॉमन मिस्टेक है जो नज़र आती है। वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, लेकिन एक ऐसी मिस्टेक्स है जो हर कोई कर रहा है, वो ये कि जब भी वो शेडिंग करते हैं ना, तो जो क्वालिटी वो दिखाते हैं अपने काम में, उसका जो वेट है, जो टोनल वैल्यू है, वो इनकरेक्ट होता है, वो सही नहीं होता है। या तो बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं या तो बहुत ज़्यादा लाइट कर देते हैं। कुछ तो हैं जो डार्क करते ही नहीं है, बिल्कुल लाइट लाइट हल्का हल्का शेडिंग करेंगे और बस कहेंगे कि हाँ ये ठीक है, ओके है, फिर आगे जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है जो बिगनर्स में खासकर होती है कि डर लगता है डार्क करने में। तो पहले तो ये कि भाई अपने डर को हटाना पड़ेगा आपको, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात यह है कि इसको समझा कैसे जाए, अपनी जो टोनल वैल्यू है जो आपके काम की, उसको कैसे समझा जाए। तो इसीलिए आज मैं ये ब्लैक कलर का पहन के बैठा हूँ, मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे एक अच्छा यहाँ पर एक वो मिलेगा समझाने के लिए कि आपको टोनल वैल्यू है क्या एक्चुअल में। अब आप ध्यान से नोटिस करो, मेरे जो बाल हैं ये ज़्यादा ब्लैक हैं या फिर आपको ये जो डेप्थ दिख रही है ये ज़्यादा ब्लैक है। अच्छा रुको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में शिफ्ट करता हूँ। हाँ तो अभी देखो, अभी आपको इस पूरे फ्रेम में सबसे ज़्यादा डार्क क्या दिख रहा है? क्या ये जो बटन है ये डार्क है, या फिर ये जो डेप्थ ये दिख रही है ये डार्क है, मेरी आई जो दिख रही है अंदर की वो डार्क है, या फिर मेरा बाल डार्क है? हो सकता है एक तरीके की डेप्थ आपको हर जगह पर नज़र आ रही हो, ठीक है। तो जब भी आप शेडिंग करो, पहले तो एकदम से डार्क मत करो, लाइट टोन लेके चलो, ठीक है। सबसे पहले लाइट डालो, लाइट एक टोन डालो। जैसे लाइट टोन क्या है, मेरा ये जो ये पार्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है, इस शेडिंग को ना आप पहले पूरे उस पर कर दो, आपकी जो पूरी ड्राइंग है उसके ऊपर कर दो। उसके बाद धीरे धीरे डार्क पे जाओ। उसके बाद क्या डार्क दिख रहा है, ये जो बैकग्राउंड है ये कहीं ना कहीं थोड़ा डार्क है इससे, ठीक है, इसको करो। उसके बाद में जो मेरी स्किन टोन है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ये सब, इसके अंदर भी देखो कई तरीके की टोन है। ये एक टोन है, यहाँ पर जो डार्क है वो अलग है, इसके कंपैरेटिवली अलग डार्क है। ऐसे ना चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पूरी कंपोजिशन को बनाओ। जब भी एक पोर्ट्रेट बनाते हो ना, या फिर आप कुछ भी बना रहे हो, जैसे मान लो बोतल भी बना रहे हो ना, तो उसके अंदर देखो उसके अंदर सबसे ज़्यादा डार्क क्या है। जैसे बोतल का जो ढक्कन है ब्लैक है, ये डार्क है, ग्रीन ब्लैक से कम डार्क है ना, लाइट है ये ग्रीन। तो लोग जो अपना काम भेजते हैं ना, उसमें डार्क और लाइट का कुछ पता ही नहीं है। कैटरीना कैफ को बना के भेज रहे हैं वो भी उतनी ही गोरी है, और फिर आलिया भट्ट को बना के भेज रहे हैं वो भी उतनी गोरी है, अमरीश पुरी को बना के भेज रहे हैं वो भी उतना ही गोरा है। तो ये डेप्थ कहाँ पता लगेगी फिर? जो स्किन टोन है वो कैसे पता लगेगा? अभी हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो उन सर का जो है जो स्किन टोन है वो डिफरेंट है, ऋतिक रोशन का कहीं ना कहीं डिफरेंट है, वो पता ही नहीं लगता कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ को आप बनाना सीखो। जब तक पेंसिल में नहीं कर पाओगे तो कलर में तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। पहले पेंसिल्स में करना सीखो, लाइट लेके चलो, फिर धीरे 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 डेप्थ में जाओ, और फिर डेप्थ में जाओ। जैसे अगर इसकी डेप्थ मैं बोलूँ तो एक डार्क है। अब कौन सा डार्क, ये ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। क्या ये जो शेड है ये 8B से आप करोगे तो शेड अच्छा आएगा, या फिर 6B से करोगे तो अच्छा आएगा? मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं ये 8B को बहुत डार्क करके चलाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जाके टोन आएगा। उसके बाद भी आपको इसकी डेप्थ निकालने के लिए और डार्क करना पड़ेगा। ऐसी आई जो है उसका एक अलग डार्क है, आई के पास जो डेप्थ है यहाँ पर ये एक अलग डार्क है, ये बालू का जो डार्क है वो एक अलग डार्क है। ये अलग 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 तरीके का आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट का अपना एक टोन है, उस टोन को ध्यान में रख के काम करो। देख मेरा हाथ देखो, यहाँ पर जो शेडिंग है इस वाले पार्ट में ये अलग शेडिंग है, ये वाला जो प्लेन है ये अलग है। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी ये चीज़ें कुछ भी मुड़ती हैं ना, तो लाइट अलग दिखती है, डार्क अलग दिखता है। देखो अब ये हैंड ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो ये डार्क है ये लाइट है। अभी आप चाहो तो इसको डार्क भी कर सकते हो, उसको लाइट भी कर सकते हो। तो एक वो जैसे नज़र आता है ना, एक फोल्ड नज़र आता है हाथ में, वो दिखता है। तो जब भी शेडिंग करो तो इसको डार्क करना कभी मत भूलो। ये डार्क होगा इससे तभी वो लगेगा कि हाथ जो है वो पूरा ऐसे मुड़ा हुआ है। उसके बाद में ये देखो, ये जो शेडिंग ये डेप्थ दिख रही है ना बोन्स के पास में, देखो ये डेप्थ देखो ये अलग है। उसके बाद में जब आप इसको देखते हो तो यहाँ देखो ये लाइन दिख रही है आपको, डार्क डार्क लाइन्स, ये अलग है। आपको डार्क करना सीखना चाहिए। देखो ये वाली प्रॉब्लम ना मेरे साथ थी, क्योंकि मैं बहुत आराम से काम करता था। मैं आपको ये भी बोलूँगा कि बहुत आराम से शेडिंग करो। शेडिंग करते वक्त ना भागो मत, खास करके जल्दी जल्दी सीख जाता हूँ, जल्दी जल्दी सीख जाता हूँ, ऐसा नहीं है।
मेरे साथ था वैसे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आराम आराम से काम करो, दिन में एक ड्राइंग करो, ठीक है, परफेक्ट बढ़िया से ड्राइंग करो उसको, अच्छे से शेडिंग करो उसको, ठीक है। बहुत सोच समझ के जब काम करोगे ना तो माइंड में वो चीज़ सेट होती जाती है कहीं ना कहीं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो मेरे को बिल्कुल अपने सामने दिख रही है, इसको देखो, ये बैग है और वो जो गिटार है मेरा उसका कवर है। ये बैग मेरा ज़्यादा डार्क है उसके कंपेटिवली, ठीक है, और इस बैग के अंदर भी ये डार्क है। जैसे बैग का जो ऊपर वाला सिरा है वो लाइट है, नीचे वाला डार्क है, ठीक है, और वो जो देखोगे वो थोड़ा सा फेड है ना, इतना डार्क नहीं है वो। ऐसे ही हर जगह पे आपको नोटिस करना है। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, आज आप ये प्रैक्टिस करो, जो भी आप बनाने वाले हो या फिर आप जो भी आप बनाने की सोच रहे हो ना, उसको स्केच करो, पहले रफ स्केच करो और बहुत डिटेल में, मतलब डिटेल में नहीं, समझ लो उसको, ठीक है, उसका जो डार्क लाइट है उसको समझ लो। उसके बाद जब कलर में जाओगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।